वेस्ट फैली हुई है और इसी के बीच में लगभग 2137 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया वो जंगल और जंगली जानवरों के लिए रिजर्व किया गया। और क्योंकि सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में इसलिए इसको नाम मिला सतपुड़ा नेशनल पार्क। आगे चल के टाइगर प्रोजेक्ट भी चालू हुआ है यहाँ पर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो उसी के बीच में आज घूम रहे हैं हम और यहाँ के जो मूल निवासी रहे हैं आज से 12,000 साल पहले से, तो वो रहे हमारे कोरकू, एक जनजाति होती है, एक भारिया होती है और एक गोर। ये तीन जनजातियाँ यहाँ पे काफ़ी पुराने समय से रही हैं। जो गुफाएं हैं, कुछ गुफाएं में जो रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं तो उनकी कार्बन डेटिंग लगभग 12,000 साल पुरानी है। तो इतने पुराने समय से लोग रह रहे हैं। ये एरिया जो है एक 16वीं सेंचुरी में एक मराठा एम्पायर के अंदर में आता था, नागपुर रियासत की जागीर हुआ करती थी और उन्होंने यहाँ का एक जागीरदार बना दिया था। एक राजा भभूत सिंह नाम से जो आदिवासी ट्राइब्स होते थे वो होते थे। तो मतलब उनकी एक मैथोलॉजी है कि शिवजी के बड़े भक्त होते हैं वो लोग और शिवजी को बड़ा मानते हैं। तो उनकी कथा के अनुसार यहाँ पे शिवजी ने 5 जगह पे पचमढ़ी में उन्होंने रुके थे। शिवजी जब भस्मासुर राक्षस से बचते हुए जगह जगह घूम रहे थे तो वो 5 जगह पे रुके थे। एक हमारा जटाशंकर मंदिर, एक चोरागढ़, एक महादेव मंदिर, एक गुप्त महादेव मंदिर और एक हमारा नागदौर मंदिर। तो एक गुप्त महादेव अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे तो यहाँ की एक सकरी गुफा है उसके अंदर रुके थे। एक चोरागढ़ में रुके थे, चोरागढ़ पे उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ दिया था, तो त्रिशूल चढ़ाने की बड़ी मान पड़ी। और यहाँ पे अंतिम क्षणों में जो हमारा मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी ने उसको भस्म किया था, जो भस्मासुर राक्षस को, वो महादेव मंदिर में किया था, ऐसी उनकी मान्यता है। तो अभी हम गुप्त महादेव चलें। और